हमने लाने का काम किया, कांग्रेस ने रुकवाने का काम किया। हम विकास की राह पर लेकर गए, ये विरोध करते रहे। आप देखिए, चंडीगढ़ जाना पड़ता था पीजीआई के लिए, अब हम ऊना में पीजीआई 400 करोड़ रुपए की लागत से बनवा रहे हैं। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज 350 करोड़ रुपए का, 300 बिस्तर का अस्पताल, और बिलासपुर में 1470 करोड़ रुपए का 750 बिस्तर का एम्स अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम किया। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, दो भी खुलवा दिए, नर्सिंग कॉलेज खुलवा दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए, और 500 करोड़ रुपए की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो अपने स्लो में 200 करोड़ रुपए का ट्रिपल आईटी और 30 करोड़ रुपए का केंद्रीय विद्यालय खुलवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन्होंने तो रुकवाने का ही काम किया। 2014 में मिलाया था मैं एम्स मंजूर करा के 28 मई को। 2018 हो गई शुरू करते करते, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज 2015 में मंजूर हुआ, शुरू हुआ 2018 में। क्यों? हिमाचल जमीन मुक गई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2010-11 में मंजूर कराई, 2021 में शुरू हुई। क्यों 10 साल क्यों लगे? कांग्रेस ने ना पैसे जमा कराए ना जमीन इकट्ठी करके दी। अरे मात्र 15 करोड़ रुपए जमा कराना था, आप बदले में 500 करोड़ रुपए की सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलनी थी। क्या ऐसे काम चलेगा? ऐसे विकास होगा? ये रेलवे लाइन नंगल से ऊना पहुंचते पहुंचते 30 साल लग गए। आपने मुझे सांसद बनाया, ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक पहुंचा दी। यहां से लेकर नांदेड़ साहब, यहां से लेके नांदेड़ साहब के लिए ट्रेन चला दी, कलकत्ता के लिए चला दी, साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद के लिए चला दी, राजस्थान के लिए चला दी, हरिद्वार के लिए, सहारनपुर के लिए, दिल्ली के लिए, और अब तो देश की सबसे आधुनिक, सबसे आरामदायक, सबसे तेज रफ्तार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो देश में केवल 3 स्थानों से चली थी, बनारस, अहमदाबाद, मुंबई हो, अगर चौथी कहीं से चली तो आपके बेटे चौथी बार के सांसद अनुराग ने प्रधानमंत्री जी से यहां से भी चलवा दी। मैं जितने ही बोलता मैं कुछ लेने लगा, सारे कांग्रेसी इकट्ठे हो जाते, रुकवा दे। मैं सच बताऊं, मैंने क्रिकेट स्टेडियम बनाया, मैंने 15 साल मुकदमे झेले जी। मैंने क्या गुनाह किए थे हिमाचल में? कोई हिमाचल के 4-5 जिलों में स्टेडियम बनाए, धर्मशाला में दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनाया। 15 साल मैंने व्यक्तिगत मुकदमे झेले। मैं जब जब बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, कांग्रेसियों ने विरोध करने का काम किया। इस बार तो मैंने मुंह ही बंद कर लिया था ड्रग पार्क पे। मैं क्या लगे रहना, मैं दिल्ली जब तक नहीं आया। दो बंदे ने मैंने तंग करते, राम कुमार जी ने, राम सुभग सिंह जी चीफ सैकटरी से। हर तीजे दिन हूँ की बने जी, की बने? और मैं क्या भाई लगे पूरे जोर शोर न। पर मेहनत की इन्होंने। राम कुमार जी उस समय कोविड में थे, उसके बावजूद हमारी 100 एकड़ जमीन कम पड़ रही थी, वो भी पूरी करके थी। मेरे साथ लगातार तालमेल रख के वहां पे फॉलो अप किया। खुशकिस्मती ये थी कि आपका सांसद दिल्ली में बैठता है, केंद्र में मंत्री है, तो हमने भी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपने हरोली के लिए बल्क ड्रग पार्क लाने का काम किया।